अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होगे तो आपने इस छोटे से डिवाइस को जरूर देखा होगा जो पेशेंट के फिंगर पर लगा रहता है। असल में इसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। लेकिन आखिर इतना छोटा सा डिवाइस ये कैसे पता कर लेता है कि उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जब इस डिवाइस को ऑन करके पेशेंट के फिंगर पर लगाया जाता है तब इसमें से दो लाइट निकलती है। पहली है रेड लाइट और दूसरी है इंफ्रा रेड लाइट, जो फिंगर से पास होके नीचे लगे डिटेक्टर तक जाती है। और जब ये दोनों लाइट फिंगर से पास होती है तब हमारी फिंगर में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक पर्टिकुलर टाइम पर जिस हीमोग्लोबिन यूनिट के पास ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो इंफ्रारेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और जिस हीमोग्लोबिन यूनिट के पास ऑक्सीजन नहीं होगा वो रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब ये दोनों लाइट जब फिंगर से पास होकर डिटेक्टर पर पड़ेंगी तब डिटेक्टर इन एब्जॉर्ब लाइट को मेजर करेगा। अगर इंफ्रारेड लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई तो इसका मतलब है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन यूनिट ज्यादा है, और इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी ज्यादा है। और वहीं रेड लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई तो इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है। ऑक्सीमीटर इसी एब्जॉर्बेंस को मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करके बताता है, जिससे हमें ये पता लग पाता है कि उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है। अब आप इस रील को अपने उस दोस्त के पास भेजो जो डॉक्टर बनना चाहता है, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हो।